लाहौर में रंग जमा लिया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा। ऑपोजिशन इतिहाद की क़यादत स्टेज पर, कारकुनों का जोशो बलबला। रहनुमाओं ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, अवाम मुल्क की खातिर आज बाहर निकलें और हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएं। लाहौर वालों को पैगाम है कि आपकी मुश्किलात का एहसास है, अवाम पीडीएम की कॉल पर नहीं, अवाम की कॉल पर पीडीएम बाहर निकली है। मरियम नवाज ने लाहौर जलसे के लिए खसूसी लिबास तैयार करवाया, वालिद नवाज शरीफ की तस्वीर बनी हुई है। रियासत के खिलाफ बगावत और बगावत पर उकसाने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए तरामीम की मंजूरी ले ली गई। मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को तफवीज किया गया। सूबाई हुकूमतें भी रियासत के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करवा सकेंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ओपोजिशन के रवैये पर इजहार अफसोस। कहते हैं, कोरोना वबा से अमवात में इजाफा हो रहा है लेकिन पीडीएम जमातों को सिर्फ अपनी फिक्र है। ओपोजिशन को इंतशार की सियासत कौम मुस्तरद करती है। बदकिस्मती से ओपोजिशन की 11 जमातों ने कोरोना वायरस को भी पार्टनर बना लिया है। ओपोजिशन अपनी करप्शन के वायरस से बचने के लिए कौम को कोरोना वायरस का शिकार कर रही है। फिरदौस आशिक अवान कहती है, ऑपोजिशन का रवायती हथियार है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। फजलुर रहमान की मलेशिया हुकूमत को घेर नहीं भेज सकती। आपको बताएं कि कोरोना के मौजूदा सूरत हाल में पीडीएम ने सियासी गन फैलाकर चले जाना है। कोरोना की दूसरी लहर, खतरनाक लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 72 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8796 हो गई। मजीद 3370 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,38,425 हो गई। 3,83,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। 46,629 जेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 16,14,000 हलाकते। मरीजों की तादाद 7,22,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,03,000, ब्राजील में 1,81,000, भारत में 1,43,000, मेक्सिको में 1,14,000, रूस में 47,000, फ्रांस में 57,761 और सऊदी अरब में 6,036 अमवात। यकतरफा इंतखाबात को नहीं मानता। पीडीएम का मकसद है कि इमरान खान घर जाएं। ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चले। मौलाना फजल रहमान सबकी मुशावरत से ऐलानात करेंगे। हम जब भी मुजाकरात की बात करते हैं तो ये मजाक उड़ाते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीडीएम इन चोरों को घर भेजकर दम लेगी। मरियम नवाज की रैलियां देखकर कहा जा रहा है मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। ये उन बेरोजगारों की जंग है जिनको बेरोजगार किया गया। अवाम की जिंदगी में हर मुमकिन सहूलियात लाने के लिए सरगर्म अमल हैं। शिबली फराज कहते हैं, चीनी की कीमत में कमी, वजीर आजम का गरीब को रिलीफ देने के लिए अज़्म का वाज़े इजहार है। कोरोना के बावजूद मईशत, रोजगार और इंसानी जिंदगियां महफूज हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अवाम आपके असल करप्ट चेहरे देख चुके। ऑपोजिशन झूठा रोना जरूर होए लेकिन पाकिस्तान और सलामती इदारों के खिलाफ मोदी की जुबान बोली तो अंजाम बुरा होगा। आज इमरान खान के डर से पीडीएम में शामिल जमातें एक दूसरे के पीछे छुप रही हैं। ये हुकूमत धांधली की पैदावार है, इसका खात्मा जरूरी है। जब भी हमने हुकूमत से तावुन की बात की, कहा गया एनआरओ मांग रहे हैं। मियां इफ्तिखार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अपनी हिकमत अमली तरतीब दे चुके हैं, हुकूमत डरी हुई है, मुजाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा है।
11 जमातों पर मुबनी करप्ट टोला मुसलसल नाकामी का शिकार है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ये लोगों की जिंदगियों और उभरती हुई मईशत को खतरे में डाल रहे हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं।